पंजाब के बाद में दोस्तों अब दिल्ली में भी पुलिस की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। गौरतलब है सिद्धू मूसेवाला केस में पकड़े गए आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से मनसा जिले में ले जाया गया, जहां पर उनकी लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला के फैन रह चुके गैंगस्टर नीरज बवाना ने यहां पर धमकी दी थी बिश्नोई गैंग को कि वो जल्द ही बदला लेंगे। हालांकि उसके बाद में बिश्नोई को मनसा जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। अब लेकिन आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो नीरज बवाना है वो बिश्नोई से साथ तो नहीं बल्कि उनके गुर्गे के साथ बदला लेते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें के मुताबिक अब दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल में भारी सिक्योरिटी रख दी गई है, क्योंकि वहाँ पे अंदर ही अंदर नीरज बवाना के आदमियों ने दोस्तों यहाँ पे बिश्नोई के करीबियों को जमकर पीटा और जेल के अंदर दोस्तों मारा पीटी यहाँ पर दिखाई दी, जिसकी दोस्तों ये खबर सामने नहीं आई है कि जिन लोगों को मारा गया पीटा गया वो कौन लोग है। बताया जा रहा है कि वो बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के ही करीबी है, जिन पर अब बवाना गैंग जेल में ही काफ़ी ज़्यादा हुकूमत दिखाती हुई नजर आ रही है। नीरज बवाना तिहाड़ में काफ़ी सालों से कब्जा करके बैठे हैं और वो तिहाड़ के किंग कहे जाते हैं। दिल्ली हरियाणा में नीरज बवाना का नाम ही सबसे ऊपर बताया जाता है। ऐसे में बिश्नोई को दोस्तों तिहाड़ में मारने की धमकी देने वाले नीरज बवाना अब उनके गुर्गों के साथ में बदला ले रहे हैं। इसी कारण से अब तिहाड़ के दोस्तों कई गैंगस्टर के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, 24 घंटे उन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ ये सख्ती इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों जेल में हो रहे फोन कॉल के इस्तेमाल से अब काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने लगी है। अब पुलिस लगातार दोस्तों सभी गैंगस्टर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और साथ ही साथ उन पर निगरानी रख रही है और सभी करीबियों को अलग थलग कर दिया गया है और साथ ही साथ दो गैंग के मेंबर्स को एक साथ नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि तिहाड़ में अब मार पिटाई हो रही है, बवाना ले रहे हैं बदला और खौफ में है बिश्नोई के गुर्गे। देखना होगा कि जल्द ही आखिर क्या होता है। गैंग वॉर की जो है काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही है। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब करें देखो देखो। ये डर और है कि मनसा से बचकर अगर बिश्नोई दिल्ली आते हैं तो क्या होगा।